ये खबर उनके लिए है जिनके घर में आरओ प्यूरीफायर लगा है या जो लगाने की सोच रहे हैं। आरओ प्यूरीफायर का ट्रेंड जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इन दिनों लोग इसी का पानी पीना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार इसी आरओ का पानी पीना आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता। नमस्कार, मैं हूँ रितम्भरा और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। वैसे तो आजकल लगभग हर घर में आरओ प्यूरीफायर लगा होता है और आप ये भी जानते होंगे कि आरओ का जो यूज़ है वो पानी को प्योर करने के लिए किया जाता है। मतलब पानी में TDS यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स की जो मात्रा है उसको कंट्रोल करने के लिए आरओ का यूज़ किया जाता है। आरओ प्यूरीफायर के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार को निर्देश जारी किए हैं। NGT ने सरकार से कहा है कि जिन इलाकों में पानी में TDS की मात्रा प्रति लीटर 500 मिलीग्राम से कम हो या पानी ज़्यादा खारा ना हो वहाँ आरओ के इस्तेमाल पर बैन लगाया जाए, क्योंकि जिन जगह पर पानी में TDS की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होती है वहाँ घरों में सप्लाई होने वाले नल का पानी सीधे पिया जा सकता है, वहाँ आपको आरओ की ज़रूरत नहीं होती। वैसे आप सोच रहे होंगे कि NGT के इस तरह निर्देश जारी करने का कारण क्या है, तो मैं आपको बता दूं, NGT का कहना है कि पानी में TDS की मात्रा प्रति लीटर 500 मिलीग्राम तक होने पर आरओ काम नहीं करता, जबकि उसमें मौजूद कई महत्वपूर्ण खनिजों को हटा देता है जिससे पानी से मिलने वाले मिनरल्स नहीं मिल पाते जो कि सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। NGT ने केंद्र सरकार से ये भी कहा है कि लोगों को उन नुकसान के बारे में भी बताया जाए जो कि बिना मिनरल वाले पानी पीने से होते हैं। आपको बता दें, WHO के अध्ययन के अनुसार प्रति लीटर पानी में 300 मिलीग्राम से कम TDS को बेहतरीन माना जाता है, जबकि 800 मिलीग्राम को खराब और 1200 मिलीग्राम से ऊपर को पीने योग्य नहीं माना जाता। मतलब आप वो पानी नहीं पी सकते। TDS बढ़ने का मुख्य कारण जो है वो है तेजी से घटता हुआ जल स्तर, और इसके अलावा जमीन के अंदर पानी के बीच जो पत्थर या मिट्टी है अगर वो क्षारीय है तब भी पानी में TDS तेजी से बढ़ता है, और अगर हम बढ़े हुए TDS का पानी पीने के काम में लेते हैं तो हमें पथरी जैसी कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ट्रिब्यूनल ने सरकार से ये भी कहा है कि पूरे देश में सिर्फ उन्हीं आरओ के इस्तेमाल की मंजूरी दी जाए जो कि 60% से ज़्यादा पीने का पानी देने वाले होते हैं। सरकार की प्रस्तावित नीति में आरओ से 75% पानी मिलने जो कि पीने का होता है और बाकी रिजेक्ट होकर निकलने वाले पानी का इस्तेमाल हम कई तरह से कर सकते हैं, बर्तन और फर्श की धुलाई में, फ्लशिंग में, बागवानी में और गाड़ियों की साफ सफाई करने में। इससे हम पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। वैसे घटते हुए जल स्तर और पानी की बर्बादी को देखते हुए NGT और सरकार के द्वारा इस तरह का फैसला लेना काफ़ी हद तक अच्छा साबित हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी में TDS का पता कैसे चले और कैसे हम इसको घर पे चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बाज़ार में कई तरह के उपकरण मिल रहे हैं और जिनकी जो शुरुआत है वो 200 रुपये के करीब होती है। इसमें लिखे निर्देशों को आप फॉलो करिए और घर पर आप TDS को चेक कर सकते हैं।